हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है रेवेन्शा यूनिवर्सिटी। रेवेन्शा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग को सुना होगा। वो कॉलेज 1868 में बना था और 2006 में उसको यूनिवर्सिटी का मान्यता मिला था। वो कॉलेज आने के लिए कॉलेज स्क्वायर रेलवे स्टेशन के पास है। उसका पिन कोड नंबर 753003 है। वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और डिपार्टमेंट है। उसके अलावा वहाँ आईटी, इंटीग्रेटेड लॉ, एमबीए इत्यादि क्लास है। उसके अलावा पीजी डिपार्टमेंट भी है। वहाँ एडमिशन पाने के लिए ज़्यादातर साइंस डिपार्टमेंट में 90 से 95 एवं मार्क्स की ज़रूरत होता है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में 90 से 95 एवं मार्क्स, आर्ट्स डिपार्टमेंट में 80 से 85 मार्क्स का सिलेक्शन होता है। वहाँ सीट पाना बहुत मुश्किल का काम होता है, इसलिए किसी को सीट मिलता ही नहीं। वहाँ पीजी डिपार्टमेंट है। उसके अलावा पीएचडी रिसर्च भी होता है। वहाँ खाली कटक के बच्चे नहीं पढ़ते, उड़ीसा के हर जगह से बच्चे आते हैं। इवन इंडिया से भी, आउट ऑफ कंट्री से भी बच्चे आके हॉस्टल में रह कर पढ़ते हैं। हाई क्वालिटी हॉस्टल है। हॉस्टल कैंटीन अच्छा है, लाइब्रेरी और लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होने के वजह से यहाँ सारा चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज होने के वजह से वहाँ का एडमिशन फीस बहुत कम रहता है। एमबीए कोर्स के लिए भी बहुत कम पैसा खर्च होता है। वहाँ एनसीसी वाटर ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल वर्क में भी स्टूडेंट और लेक्चर्स भी बहुत आगे रहते हैं। वहाँ का परिवेश हमेशा शांत स्वभाव का रहता है। वहाँ का बच्चे एक दूसरे को लेकर चल जाते हैं। हर साल एनुअल फंक्शन हर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग मनाया जाता है। वहाँ से बहुत स्टूडेंट जाकर बाहर में सर्विस करते हैं। बड़ा बड़ा कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब वाले हुए। वो कॉलेज सारा उड़ीसा का नंबर वन कॉलेज है। वहाँ जो पढ़ने आता है वह हमेशा अपने कैरियर को चुन के पढ़ने के लिए आता है। अभी प्लस टू का एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है। आप लोग किसी को भी ज़रूरत है फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसका व्हाट्सएप नंबर से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कॉलेज के बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप लोग वेबसाइट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स में भी रेवेन्शा कॉलेज बहुत आगे रहता है। वो कॉलेज उड़ीसा का पहला ई कॉमर्स कॉलेज है। वहाँ का सारा चीज़ डिजिटली होता है। अंग्रेज के समय से वो कॉलेज बना था, इसलिए उसका कलर हमेशा रेड ही रहता है। हमारे रेवेन्शा कॉलेज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं कल। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। जय जगन्नाथ। आई लव माय कटक।